चलो रेडी कैमरा रोलिंग सीन 3 शॉट मास्टर टेक 1। तो फिर क्यों आए हैं अब? सॉरी। चलो चलो रेडी कैमरा रोलिंग। कुछ बुजुर्ग फिल्म इंडस्ट्री के कहते हैं कि जो भी व्यक्ति स्लेट बोर्ड को यूज करता है वो फ्यूचर में जाकर बड़ा डायरेक्टर बनता है। ये कई अनसुनी बातें हैं, ये मैंने बहुत लोगों के साथ होते देखा है दोस्तों। मेरा अपना भी एक एक्सपीरियंस है। जब मैं शुरुआत में आया था तो मैं बहुत इसमें स्लेट बोर्ड का यूज़ कर चुका हूँ। मैं स्लेट बोर्ड पकड़ता था और आज अब मैं डायरेक्टर हूँ। और मेरे 3-4 दोस्त भी जिनको मेरे जो जूनियर्स हैं मैंने देखा है कि वो भी स्लेट बोर्ड यूज़ करते थे, आज वो सीरीज नेटफ्लिक्स पे अच्छी तरह से डायरेक्ट कर रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कुणाल शिंदे एंड यू आर वाचिंग कुणाल शिंदे फिल्म्स चैनल। दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दीजिए, क्योंकि आगे जाकर मैं एक डायरेक्शन का सीरीज लेके आने वाला हूँ जिसमें डायरेक्टर क्या काम करता है, कैसे काम करता है, कैसे फिल्म पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है और कैसे बाहर आती है, ये सब कुछ मैं डिटेलिंग में बताने वाला हूँ। ये बहुत बड़ा कोर्स होगा दोस्तों, तो आप मुझे जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें। और जो लोग प्रोफेशनली सीखना चाहते हैं मेरे पास आकर, तो दोस्तों मैं एक्टिंग, राइटिंग और डायरेक्शन के बहुत ही प्रोफेशनल 1-on-1 कोर्स लेता हूँ। बहुत ही अच्छे से आप फ्यूचर में काम कर सकते हैं, ठीक है ना? तो आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। तो मेरा नंबर है 8655000049। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। ये स्लेट बोर्ड होता क्या है, स्लेट बोर्ड क्यों काम होता है? चलिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल दे दूंगा कि समझो आप एक एडिटर रूम में हो, ठीक है ना? एडिटर रूम में मैंने बहुत सारे क्लिप्स लाके रख दिया, बहुत सारे चिप्स लाके रख दिया, जिसमें बहुत सारे सीन्स है, बहुत सारे शॉट्स है और बहुत सारे टेक्स है। तो ये एडिटर को जब एडिट करनी होगी फिल्म, तो उसको कैसे पता चलेगा कि कौन सा शॉट किधर है, कौन सा सीन किधर आएगा, क्या किधर लगेगा? इसीलिए क्लैपबोर्ड का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं हम लोग, ये क्लैपबोर्ड क्यों यूज होता है, क्या यूज होता है और कैसे यूज होता है। देखिए दोस्तों, पिक्चर और ऑडियो को सिंक्रोनाइजेशन करने के लिए, सिंक करने के लिए क्लैपबोर्ड का यूज किया जाता है। समझ लो अगर ये एक फिल्म चल रही है और यहां पे एक शॉट लगा है, तो मैंने बोल दिया सीन 55 शॉट 1 टेक 1 टक। तो ये जो टक है, ये टक एडिटर क्या करेगा, वीडियो लगाएगा। और ये जो ऑडियो है, जो ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा है, उसमें भी यह आवाज रजिस्टर हो गई रिकॉर्ड करते वक्त। तो ये दोनों टक को एक साथ मैचअप करेगा और जब उसके बाद ये प्ले करेगा स्पेस बार दबा के, तो ये दोनों वीडियो और ऑडियो एक साथ चलेगी। तो जिसमें जो डायलॉग वीडियो हीरो जो बोल रहा है, वही डायलॉग बराबर सही समय पर सुनाई देगा। तो ये सिंक साउंड करने के लिए क्लैपबोर्ड यूज किया जाता है दोस्तों। तो इस पर क्या लिखा होता है, आज हम लोग बात करेंगे। देखिए दोस्तों, ये क्लैपबोर्ड है, ये क्लैपबोर्ड के सबसे ऊपर एक फिल्म प्रोडक्शन का नाम लिखा जाता है, जैसे कि यशराज, धर्मा जो भी है। उसके बाद प्रोड्यूसर का नाम लिखा जाता है, जैसे करण जौहर हो गया या आदित्य चोपड़ा। उसके नीचे डायरेक्टर का नाम लिखा होता है, कोई भी हो, विक्टर हो या बहुत सारे लोग हैं डायरेक्टर। और स्लेट में हमेशा राइट में डीओपी का नाम होना बहुत ज्यादा जरूरी है दोस्तों। डीओपी का नाम लिखा ही होता है स्लेट बोर्ड में। उसके नीचे जो हमारा सेक्शन आता है, इसको जब हम स्लेट को बाइफरगेट करते हैं, तो नीचे सबसे मेन सीक्वेंस होता है, यहाँ पर ही सब कुछ डिपेंड होता है दोस्तों। जो हमारे स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट से रिलेटेड यहाँ पर लिखा होता है सीन, शॉट और टेक। उसके नीचे लिखा होता है दोस्तों डेट, ये किस समय किस दिन शूट किया गया है, ठीक है? और यहां पर लिखा रहता है IN और XEX, मतलब एक्सटीरियर है या इंटीरियर, ये कौन सी डेट में शूट हुआ, ये स्टूडियो के अंदर शूट हुआ है, इंटीरियर है या बाहर किसी मैदान वगैरह यहाँ पे शूट हुआ है, एक्सटीरियर है। तो ये दोनों लिखा हुआ बहुत जरूरी है। तो ये पूरे स्लेट की मैंने आपको जानकारी दे दी दोस्तों। अभी हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होता है, कैसे यूज करते हैं। समझो, इससे पहले हमको समझना पड़ेगा कि सेटअप क्या है। मैं एक डायरेक्टर के एंगल से आपको समझाना चाहता हूँ कि देखिए दोस्तों, व्हेन ए कैमरा मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ओके, वाइल फिक्सिंग, जैसे अभी हम लोग ये फिक्स किया, ये जो फ्रेम है ये हमारी फिक्स है, जैसे आप देख रहे हैं, ठीक है ना? तो ये फिक्स फ्रेम है, ये पोजिशन परफेक्ट की है, तो ये जो हो गया इसे हम लोग सेटअप कहते हैं। ये एक अच्छा सा ब्लॉक बन गया दोस्तों, ठीक है ना? तो ये सेटअप होने के बाद जब मैं यहां पर आऊं और मैं बोलूंगा सीन 55 शॉट 1 टेक 1 टक, तो अब मैं आपसे बात कर रहा हूं,
ठीक है, बात करते करते मैं कुछ डायलॉग भूल गया, ओह शिट आई फॉरगॉट, तो अब क्या होगा, ये कट हो जाएगा, फिर से जब शूट होगा तो स्लेट बोर्ड वाला क्या बोलेगा, टेक टू, उसे सीन 55 शॉट वन बोलने की कोई जरूरत नहीं, नेक्स्ट टाइम पे वो बोलेगा टेक टू, फिर गलती हुई, टेक थ्री, फिर गलती हुई, टेक फोर, ठीक है। अब ये फ्रेम समझो, कैमरा पोजिशन, फ्रेम तो यही है ठीक है ना, सेटअप हमारा यही है, लेकिन शॉट चेंज हो गया, समझो अभी मेरा क्लोज लगा, ये क्लोज लगा, तो अब ये क्लोज में क्या होगा, क्या बोलेगा स्लेट वाला, शॉट टू टेक वन, टक बोला ठीक है, अब ये मेरा शॉट ओके हो गया, मैंने दूर से ले लिया, तो क्या बोलेगा स्लेट बोर्ड पर, शॉट थ्री टेक वन, एकदम आंखें ही दिख रही हो तो शॉट फोर टेक वन। तो इसी तरह से दोस्तों स्लेट बोर्ड का काम होता है, जब तक ये सीक्वेंस दूसरी जगह पर जाकर शूट नहीं होती, तब तक जब तक हमारे सीन का जो रिक्वायरमेंट है वो पूरा नहीं होता, तब तक इस फ्रेम को शॉट और टेक में हम लोग करते हैं। जब हमारा सीन चेंज हो जाता है तो सीन का बदल जाता है, सीन 56 या सीन 65 मास्टर जो भी है ऐसे। तो दोस्तों अभी हम लोग बात करेंगे कि आगे क्या होता है, तो इस प्रकार से दोस्तों काम होता है। तो देखिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जो क्लैपर बोर्ड वाला होता है ये कौन होता है, जो हमारे फिल्मों में जो सबसे छोटा असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, जो मतलब छोटा छोटा इन द सेंस एज में नहीं, छोटा इन द सेंस जैसे एक फिल्म के, एक फिल्म में कम से कम 8 से 10 असिस्टेंट डायरेक्टर है तो ठीक है ना, तो जो आठवां असिस्टेंट डायरेक्टर या सातवां जो भी है तो वो स्लेट बोर्ड को हमेशा यूज करता है, तो उसको स्लेट बोर्ड में लाया जाता है। और एक स्पेसिफिक लड़का भी होता है या लड़की भी होती है जो स्पेसिफिक यही काम करता है, हर फिल्मों में स्लेट बोर्ड का ही काम करते हैं, ऐसे भी व्यक्ति है जो फुल टाइम करियर करते हैं, मोस्टली देखा जाए तो असिस्टेंट डायरेक्टर ही स्लेट को यूज करते हैं। तो दोस्तों आगे हो क्या होता है, देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक स्लेट बोर्ड आर्टिस्ट को हमेशा कैमरा का नॉलेज और लेंसेस का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर समझ लो मैंने मास्टर फ्रेम लगा दिया, मतलब ये 50 का फ्रेम है, एरी कैमरा में 50 फ्रेम है, तो स्लेट बोर्ड आर्टिस्ट को समझ में आना चाहिए कि उस पे कहाँ खड़ा रहना है, मतलब किस तरह खड़ा रहना है, समझ लो अभी ये फ्रेम है, ये फ्रेम में अगर वो कम से कम इतने पास अगर लगाएगा, देखिए इतने पास, तो एडिटर को विजिबल हो जाएगा, अगर वो इधर होगा क्योंकि हमें वहां से दिखता नहीं है, क्योंकि हमको कैमरा के सामने आके ऐसा दिखाना पड़ता है, बरोबर ना। तो समझ लो अगर ये शॉट है तो इसमें एक स्पेसिफिक डिस्टेंस समझ के ही करना चाहिए यूज स्लेट बोर्ड, ताकि उसे सीन शॉट और जो टेक है वो एडिटर को बहुत अच्छे से विजिबल रहे, नहीं तो आपको वो सिनेमाटोग्राफर बता देता है कि थोड़ा नीचे ले, थोड़ा ऊपर ले, थोड़ा दूर जा, लेकिन ये बताने से फिर आप एमेच्योर कहलाते हो। इसलिए समझो अगर एक शॉट है, मैंने 135 लेंस यूज कर लिया, ठीक है, तो 135 हो गया बहुत ब्लॉक लेंस, बहुत ही क्लोजअप लेंस वाला, तो आपको इस समय क्या करना है, आपको कहीं ना खड़े रहते हुए, अगर आप कहीं भी खड़े हो जाओगे तो वो आउट ऑफ फोकस चला जाएगा, उसमें आपको कुछ सीन शॉट नजर नहीं आएगा, दिखेगा नहीं, तो आपको बराबर आर्टिस्ट के फेस पे जाके, फेस के ऊपर ये करना है, सीन 55 शॉट वन टेक वन टक बैक है भाग गया। अभी यहां पे देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम, कुछ स्लेट आर्टिस्ट क्या करते हैं, जब टेक ये जब क्लिक करते हैं, ये जब बजाते हैं साउंड करते हैं, फ्रेम के बाहर बहुत ही धीरे से चले जाते हैं। अगर समझो आप धीरे से चले गए फ्रेम के अंदर और एक्टर ने डायलॉग शुरू कर दिया, ठीक है ना, तो जब एडिट में आप भागते दिख रहे हो और एक्टर का डायलॉग वही टाइम पे आ रहा है बाहर, तो आपको कितनी गालियां पड़ेगी ये आपको ही पता है, आपकी मां बहन कर देंगे लोग। तो हमेशा एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बनाना पड़ता है कैमरे के बहुत ही दूर, समझ लो अभी ये कैरेक्टर है, मैं आपको बता रहा हूं, देखिए अभी ये स्लेट यूज हो रहा है तो मेरा बॉडी आना कोई जरूरी नहीं है, देखो ये मैं पीछे चला गया, तो यहाँ पे सिर्फ कैमरे पे मेरा स्लेट आना बहुत जरूरी है, ये स्लेट आया, जैसे मैंने स्लेट दबाया तो मैं आउट हो गया। तो दोस्तों इसी तरह से ऐसे ऐसे काम किया जाता है, एक डिस्टेंस स्पेसिफिक डिस्टेंस को मेंटेन करके ही काम किया जाता है। अभी स्लेट में समझो हम लोग कोई डायलॉग में कुछ बोल नहीं रहा, मैं बस रिएक्शन दे रहा हूं, तो क्या आएगा, तो जब भी रिएक्शन आता है दोस्तों तो क्या लिखते हैं वहां पर, अगर समझ लो रिएक्शन आ गया और स्लेट बोर्ड ने गलती से सीन 56 शॉट वन टेक वन टक बजा दिया, तो हाहाकार हो जाएगा दोस्तों, आप तो कर लोगे, कोई किसी का ध्यान नहीं, बज गया ये बज गया, लेकिन स्लेट का आवाज तो आ गया लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, बहुत लोग ध्यान नहीं देते क्योंकि हर एक का अपना अपना रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहता है, इसमें एडिटर की बात लगेगी दोस्तों, होगा क्या,
पीछे से तो कुछ आवाज दे नहीं रहा है, एक्टर का सिर्फ रिएक्शन ही आ रहा है, कुछ बात नहीं कर रहा है, यह माइम हो रहा है, ठीक है। तो एडिटर है ना, ऑडियो ढूंढते बैठेगा कि इसका ऑडियो कहाँ पे लगा है, तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों। तो जब भी हम लोग स्लेट यूज करेंगे तो हमेशा से ही जब किसी का डायलॉग नहीं होता है तो इसे वो बहुत ही नॉर्मल तरीके से बंद करते हैं, वो स्लेट को ओपन नहीं करते हैं, समझो ये जब हमारा बचता है स्लेट बचता है तो इसको ओपन नहीं करते, इसको बंद करके ही बोलते थे सिर्फ ऐसा सामने दिखा दो, दिखा भी दोगे ना तो पता चल जाएगा कि क्या है, या तो फिर और भी स्लाइटली एक ओपन करते हैं, बजाते नहीं। जब समझो पीछे से कोई साउंड आने वाला है मोटर बाइक का, अगर कोई बैकग्राउंड में म्यूजिक चाहिए तो एक स्लाइटली ये ओपन हो जाता है, जिसमें पता चलता है कि बाजू से कहां से साउंड है, एक्टर कोई साउंड नहीं कर रहा है। और जब भी हम लोग लिखते हैं तो हमेशा वहां पे लिखते हैं कि रिएक्शन वन, सीन 56 शॉट वन, रिएक्शन जो रहता है ना सीन 56 आर, आर वन, आर टू, रिएक्शन वन, रिएक्शन टू, रिएक्शन थ्री, तो इस प्रकार से दोस्तों काम होता है। तो आगे हम लोग चलते हैं कि अभी समझ लो शूट हो गया लेकिन स्लेट ही नहीं किया तो कैसे करेंगे दोस्तों। इसके लिए समझो अभी बहुत बड़ा एक्शन सीक्वेंस है और बहुत जल्दी जल्दी में कर लिया, जल्दबाजी में कर लिया हम लोग ने, घाई घाई में कर लिया, या बहुत ही इंपॉर्टेंट था लोकेशन की तरफ से, सन जाने वाले और हम लोग ने मैजिक कार में ये शूट कर लिया, तो उसके बाद क्या होगा दोस्तों, आपने स्लेट लेना भूल गया, तो नेक्स्ट शॉट में आपको जाना है सिनेमेटोग्राफर के पास, बोलना है सर स्लेट लेना है, तो वो क्या करेगा आपकी स्लेट को, शुरुआत में आपने ऐसे बजाई थी ना, तो नेक्स्ट शॉट में वो उल्टा हो जाएगा, तो आपको स्लेट को ना उल्टा करके सिर्फ रखना है। तो जब भी एडिटर देखेगा कि अरे ये जो शॉट है इसका स्लेट तो लिया गया नहीं, तो जब वो नेक्स्ट देखेगा, नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट वीडियो, जैसे हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो उसने देखा अरे ये स्लेट उल्टा है तो इसका यही स्लेट होगा, तो वीडियो तो पहले शूट कर लिया लेकिन स्लेट बाद में किया, तो स्लेट को हमेशा उल्टा पकड़ा जाता है, उल्टा पकड़ने से पता चलता है कि पहले हमने इसका शॉट ले लिया है दोस्तों। तो समझो दोस्तों अगर आप कोई एक्शन सीक्वेंस यूज कर रहे हैं हम लोग या सॉन्ग सीक्वेंस कर रहे हैं तो आप हर शॉट के बीच में तो जाके नहीं बजाओगे, है ना। तो जब भी सॉन्ग या एक्शन सीक्वेंस होता है तो वहां पे हम लोग फ्रेम में लिखते हैं ऑल प्रिंट करके लिखते हैं, जिससे क्या पता होता है कि जितने भी सारे सीन्स होंगे इसमें से कोई भी एनजी शॉट नहीं जाएगा, ये जो भी ये है ये सारे एडिटर में यूज होगा और एडिटर सारे शॉट्स को कहीं ना कहीं यूज करेगा। तो इस तरह से स्क्रीनबोर्ड आर्टिस्ट का काम होता है दोस्तों। इनका मानदान कितना होता है समझ लो, अगर आप एक फिल्म में कोई असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं, देखिए दोस्तों जब अगर ये जो रीजनल फिल्म्स के है असिस्टेंट डायरेक्टर होता है उनका मानदान कम से कम 2-3 हज़ार रुपए था, ज्यादा से ज्यादा 4 हज़ार रुपए, तो उसके अंदर ही आप अगर स्लेट बोर्ड का काम कर रहे हो तो ठीक है, वेल एंड गुड, नहीं तो स्लेट बोर्ड का सैलरी जो होता है 1.5-2 हज़ार रीजनल फिल्मों में आता है, 2-2.5 हज़ार तक करते हैं, अगर आप बॉलीवुड में चाहते हो तो कम से कम ये मैक्स 8 हज़ार के अंदर ही आपको मिलता है इसका मानदान, जहां तक मुझे पता है 7-8 हज़ार रुपए मिलता है। अगर कोई मोस्ट एक्सपीरियंस होगा या तो फिर कोई एडी होगा जिसका पर डे 10-12 हज़ार होगा, तो अगर वो स्लेट बोर्ड का उसका काम दे रहे तो उसको 10-12 हज़ार रुपया मिलेगा, ठीक है ना। मैं स्पेसिफिक एक स्लेट बोर्ड आर्टिस्ट के बारे में ही बताने वाला था और उनका मानदान ही बता रहा था, तो मानदान तो ऊपर नीचे हो सकता है, वो आपके एक्सपीरियंस पे रिलाय करता है, ठीक है ना। यहाँ पर फिल्मों में काम एक्सपीरियंस से होता है, एक्सपीरियंस से आपका रेट डिसाइड होता है दोस्तों। तो मे बी मुझे ऐसा लग रहा है कि आज का वीडियो आपको बहुत समझ में आ गया होगा, स्लेट बोर्ड कैसे और क्यों यूज होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप अगर आप शॉर्ट फिल्म और फीचर फिल्म कुछ बनाना चाहते हैं तो जरूर अपने फिल्मों में स्लेट बोर्ड का यूज करिए, जिससे एडिटर को कोई हानि नहीं होगी और आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। थैंक यू। सिर्फ 4 शॉट 9 टेक 1 एक्शन। दिस इज नॉट योर बोर्ड एक्शन। हां कोई बात नहीं, भरपूर घालती तुला। I'm so sorry, dear.